आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग इस वीडियो में अहूजा का SPA-1500 PA एम्पलीफायर को, क्योंकि दोस्तों ये जो PA एम्पलीफायर है अदर ब्रांड के PA एम्पलीफायर या फिर और भी PA एम्पलीफायर से ज़्यादा कैपेबल है। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको इसे क्यों ख़रीदना चाहिए। उससे पहले आप इसका वॉल्यूम कंट्रोलर देख सकते हो, बेस कंट्रोलर, ट्रेबल कंट्रोलर और मास्टर कंट्रोलर सब यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर हॉर्न सेलेक्शन और स्पीकर सेलेक्शन का स्विच दिया गया है। आप इधर प्रेस करोगे तो आपका हॉर्न यहाँ पे रेड साइड रेड इंडिकेट करेगा, और अगर आपका स्पीकर तरफ रहेगा तो यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का इंडिकेट करेगा। बाकी यहाँ पे बगल में आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये ऑन ऑफ का इंडिकेटर है, टेम्परेचर का है, ओवरलोड का है और ऊपर का इंडिकेटर है। बाकी राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर रिसेट बटन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका एम्पलीफायर ओवरलोड होता है तो आप रिसेट कर सकते हो। बाकी इसका फ्रंट लुक कुछ इस प्रकार से दिखता है दोस्तों। साइड में टैग लगा गया है। बाकी इसको मैं साइड से दिखाता हूँ, उसके बाद इसका पूरा मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊंगा, उसके बाद इस एम्पलीफायर के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, प्राइस भी डिस्कस करेंगे, कितना लोड डाल सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। चैनल अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ जिसमें कि मैं डीजे का सेटअप भी दिखाता हूँ और डीजे के बारे में डिटेल में बात भी करता हूँ। तो साइड में देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसका डिज़ाइन है। साइड में यहाँ पे ग्रिल भी दिया गया है और ऊपर में यहाँ पे आपको हैंडल भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आइए अब इसका हम लोग बाइक लुक देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक बड़ा सा फ़ैन लगा गया है, और इनपुट और आउटपुट के लिए दोस्तों यहाँ पे आप जैक पिन का यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर XLR का भी ऑप्शन दिया गया है, और ये इस वाले ऑप्शन और इसके बगल में ये 100 वोल्ट वाला ऑप्शन है। इसके बारे में आपको कभी और बात करूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जो मेन टॉपिक है उसको बात करता हूँ। दो दो यहाँ पर फ्यूज लगा गया है, आप देख सकते हैं। केबल भी काफ़ी मजबूत लगाया गया है जिससे कि इस वाले एम्पलीफायर को काफ़ी अच्छा पावर मिल सके। बाकी यहाँ पे हॉर्न के लिए कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे हॉर्न को कनेक्शन कर सकते हो। स्पीकर के लिए कॉमन 2 ओम्स और 4 ओम्स का यहाँ पे यूज किया गया है। और ये जो एम्पलीफायर दोस्तों अपना लोड कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा लोड को ले सकता है। बाकी यहाँ पर आप सीरियल नंबर देख सकते हो अहूजा का, जो कि ओरिजिनल का पहचान है, मेड इन इंडिया है। काफ़ी बढ़िया एम्पलीफायर है दोस्तों। अगर आपको ये वाला एम्पलीफायर ख़रीदना है तो ख़रीदने के लिए दोस्तों इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो द पोदार इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि दोस्तों द पोदार इलेक्ट्रॉनिक्स 100% ओरिजिनल विद GST बिल के साथ आपको देता है। बाकी दोस्तों आप अहूजा का या फिर कोई भी कंपनी का एम्पलीफायर सेटअप, डीजे सेटअप, स्पीकर, कैबिनेट कुछ भी लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है द पोदार इलेक्ट्रॉनिक्स, एड्रेस है दोस्तों झारखंड। अगर आप झारखंड के आसपास में रहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों कम्प्लीट सेटअप भी आप यहाँ पर खरीद सकते हो। ओके, तो बात कर लेते हैं दोस्तों इस वाले एम्पलीफायर का प्राइस को। तो प्राइस जानने से पहले दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरा दो और भी चैनल है, उन दोनों चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं, और दोस्तों इस वाले एम्पलीफायर का प्राइस भी दोस्तों उसी लिंक के बगल में दिया हूं। तो जब इस वाले एम्पलीफायर का प्राइस देखने जाओगे दोस्तों तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस वाले एम्पलीफायर का जो मार्केट प्राइस होता है वो कितना है, इस वाले एम्पलीफायर का मार्केट प्राइस दोस्तों अप्रोक्स 45,000 है, जो कि लगभग हर मार्केट में मिल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। और मैं प्राइस दोस्तों वीडियो में इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि हो सकता है इस कुछ समय बाद इसका प्राइस बढ़ जाए या फिर घट जाए, तो आप बोलोगे भाई आपने तो गलत इन्फॉर्मेशन दिया, गलत प्राइस बताया। इसलिए दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्राइस बताता हूँ, जिससे कि अगर इस वाले एम्पलीफायर का कभी प्राइस बढ़े या फिर घटे तो मैं वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों एक बेल नोटिफिकेशन भी मिलेगा, उसे भी ऑन कर लेना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे।